हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो में मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ स्टॉक सिलेक्शन का। आप लोग, ज़्यादातर लोग बहुत सारे पैरामीटर से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, और बहुत सारे स्कैन्स यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल बेसिक तरीका बताने वाला हूँ स्टॉक सिलेक्शन का, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहिए। मैं जो स्टॉक सिलेक्शन पैरामीटर्स यूज़ करता हूँ, जो मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ, वो मैं मेरे पेड प्रोग्राम में ही बताता हूँ जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं। ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे नहीं बताने वाला, क्योंकि आपने देखा यूट्यूब पे लोग बहुत जल्दी कॉपी पेस्ट करते हैं वीडियोज़। जो मेरा प्रीमियम स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको पेड प्रोग्राम में ही बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल टेक्निक बताने वाला हूँ स्टॉक सिलेक्शन का। तो आप वीडियो पूरा ध्यान से देखना। ज़्यादातर मैंने रिटेल ट्रेडर को देखा है, वो लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप ऐसे स्टॉक को बाय करना पसंद करोगे इंट्राडे के लिए जो स्टॉक ऑलरेडी 5% ऊपर है, जो स्टॉक ऑलरेडी 6% ऊपर है, 7% ऊपर है? ऐसे स्टॉक में आपको बाइंग करना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स में आपको बाइंग करना चाहिए जो सिर्फ 1% ऊपर है और 5% ऊपर जाने के चांसेस हो? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो रिटेल ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो ऐसे स्टॉक को शॉर्ट करते हैं जो ऑलरेडी 8% नीचे है। सो उसमें इंट्राडे में पैसा बनने के चांसेस बाय डिफॉल्ट कम हो जाते हैं और ज़्यादातर उसमें स्टॉप लॉसेस होते हैं। अगर आप टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो, दैट इज पॉसिबली रॉन्ग। आप रॉन्ग टेक्निक यूज कर रहे हो। तो आप वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको एकदम सिंपल बेसिक तरीका बताने वाला हूँ लेमैन लैंग्वेज में कि कौन से स्टॉक्स में आपको इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहिए। तो आपको एनएसई वेबसाइट खोलना है, सबसे पहले मार्केट डेटा में जाना है, उसके बाद इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में जाना है। यहाँ पर मार्केट डेटा, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐसा पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको निफ्टी 50 सिलेक्ट करना है। निफ्टी 50 यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट वाइज दिया हुआ है, बैंकिंग या एनर्जी व्हाटएवर, तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये यहाँ पर डाउन एरो प्रेस करना है, ये आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स के लिस्ट मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको टॉप गेनर्स मिलेंगे और नीचे की तरफ आपको टॉप लूजर्स मिलेंगे। आप देख सकते हो एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। लेकिन आपको ना टॉप लूजर्स में ट्रेडिंग करना है और ना आपको टॉप गेनर्स में ट्रेडिंग करना है। अब ध्यान से सुनना टेक्निक, आपको टॉप गेनर्स में बाइंग नहीं करना है, आपको टॉप लूजर्स में सेलिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। जो ऑलरेडी स्टॉक 4% नीचे है उसको शॉर्ट करके पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, रादर देन आप ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करो जो अभी अभी गिरना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताने वाला हूँ। आपको ये लिस्ट में से जो बीच में जो स्टॉक दिख रहे हैं, जो सबसे फ्लैट स्टॉक है, जैसे आधा परसेंट ही प्लस है, आधा परसेंट ही माइनस है, ऐसे स्टॉक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना, मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। ज़्यादातर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मॉर्निंग में जो स्टॉक टॉप गेनर्स है वो ज़रूरी नहीं कि 3:30 बजे तक टॉप गेनर्स के लिस्ट में ही रहे। क्या होता है, ये स्टॉक जो है वो टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स में चले जाते हैं और टॉप गेनर्स के जो स्टॉक है वो वापस ये लिस्ट में आ जाते हैं। आपने कई बार ऐसे स्टॉक देखे होंगे जो खुलता है 6% प्लस, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे हो जाता है 1% प्लस। सो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है स्टॉक। आपने कई बार ऐसा भी स्टॉक देखा होगा जो खुलता है फ्लैट, लेकिन आफ्टरनून में उसमें एक अचानक बाइंग आती है और आधा परसेंट स्टॉक जो प्लस था वो सीधा 5% प्लस हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिक स्टॉक सिलेक्शन का। आपको टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको ऐसे स्टॉक्स में ध्यान देना है जो आधा परसेंट प्लस है या आधा परसेंट माइनस है। ऐसे 10-12 स्टॉक्स आप सिलेक्ट कर लो, अपने मार्केट वॉच में ऐड कर लो सुबह 10 बजे ही, और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये इनमें से कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। 70-80% प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि ये जो 10-12 स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए हैं, इनमें से 3-4 स्टॉक या तो टॉप गेनर्स बन जाते हैं या टॉप लूजर्स बन जाते हैं डे एंड तक। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल फंडा है, सिंपल लॉजिक है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव लॉजिक है। आपको ये 10-12 स्टॉक्स पे ध्यान देना है जो ऑलरेडी फ्लैट ओपन हुए हैं, आधा परसेंट प्लस या आधा परसेंट माइनस हो। सुबह 10 बजे के आसपास आपको ये स्टॉक्स मार्केट वॉच में ऐड करना है और ये 10-12 स्टॉक्स पे आपको इंट्राडे के लिए ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये 10-12 स्टॉक्स में 3-4 स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स में 3:30 बजे तक आ जाएंगे। बाकी अगर आपको एडवांस स्टॉक सिलेक्शन सीखना है
तो आपको पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। नंबर आपको दिया हुआ है वीडियो में, आप ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं बहुत सारे अलग अलग टेक्निक यूज करता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के लिए। कुछ वेबसाइट से मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ और कुछ डेटा एनालिसिस के हिसाब से मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। तो अगर आपको एडवांस स्टॉक सिलेक्शन सीखना है तो आपको पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज इंट्राडे के लिए आप ये स्टॉक सिलेक्शन भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी आपको इंट्राडे में अच्छा पैसा बन सकता है। अगर आपको वीडियो और स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।